हेलो, आज हम हैं वेजिटेबल रवा टोस्ट बना रहे हैं। इसके लिए हम हैं आपका, ये है मेयोनेज है, आपका शिमला मिर्च है, प्याज आधा कटा हुआ है और ये रवा है और टमाटर कटा हुआ, थोड़ा सा हरी मिर्च कटा हुआ है। अब सबसे फर्स्ट में हम ये रवा लेंगे 2-3 चम्मच, ये 3 चम्मच लेंगे। उसके बाद इसमें हम आपको दूध मिलाते हैं, दूध इतना मिलाएंगे जो जिसमें ये हमारा रवा मिल जाए। ये भी है आपका 3 चम्मच लिए हैं। अब इसको हम मिलाते हैं, अच्छी तरह से मिला ले लें। देखिए, रवा लिए 3 चम्मच और 2 चम्मच इसमें हम दूध मिलाए हैं। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच आपका मेयोनीज लेंगे। एक मिनट, देखिए 1 चम्मच इसमें हम मेयोनीज मिला रहे हैं। ये हमारा वेज मेयोनीज है, इसे भी हम मिला लेते हैं। अच्छी तरह से मिलाएंगे इसको, देखिए मिलाते रहेंगे। मिलाने के बाद हमारा देखिए कितना स्मूथ हो गया। इसको हम 2 मिनट छोड़ देते हैं, अभी इसको थोड़ा रेस्ट करने देते हैं। इसके बाद इसमें फिर वेजिटेबल जो है हमारा वो इसमें मिक्स करेंगे। हमारा जो है रवा 2 मिनट हो चुका है, इसको मिला लेते हैं। अब इसमें हमारा जो है वेजिटेबल वो सब मिला रहे हैं, कि ये प्याज है, ये शिमला मिर्च है और ये हरी मिर्च है, 2 मिर्च लिए हैं, ज़्यादा तीखा नहीं, और ये टमाटर हमारा कटा हुआ है। ये सबको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे, अच्छी तरह से मिलाते हैं। इस मिलाने के बाद इसमें थोड़ा नमक नहीं डाले हैं, नमक डालेंगे हमारे में। हमारा मेयोनीज में भी नमक होता है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, एकदम छोटा चम्मच है हमारा, फिर भी इसे हाफ डाल रहे हैं। और ये सबको मिला के अच्छी तरह से मिला लेते हैं। देखिए ये हमारा बन चुका स्टफिंग। अब हम हैं आटा का ब्रेड लिए हैं, 2 पीस लिए हैं, 2 स्लाइस। इसमें हम पहले आपका मेयोनीज लगाएंगे, अच्छी तरह से लगा लेते हैं, चारों ओर लगना चाहिए। और ये स्लाइस का दोनों ओर लगना चाहिए, कि हम इसमें लगा चुके। और इसमें भी लगाते हैं, हम स्लाइस में आपका मेयोनीज लगा लिए हैं। अब जो हम बना के रखे हैं ये स्टफिंग, वो डाल देते हैं पूरे चारों ओर। और इसे हम भर चुके, और हम गैस ऑन कर चुके थे और इसमें हम तवा बैठा चुके हैं। ये तवा हमारा नॉर्मल गर्म हो चुका है, हाई में पकाना नहीं है। कि हम है ब्रेड में आपका स्टफिंग भर चुके थे, अब थोड़ा सा बटर लगाएंगे। क्यों बटर लगाएंगे? कि हमारा ब्रेड चिपके नहीं, ऐसे डालेंगे तो चिपक जाएगा। हल्का सा डालते हैं, हल्का सा इसमें बटर डाल के अब हम ब्रेड को डाल देते हैं। एकदम हल्का आँच होना चाहिए, अधिक नहीं। और इसमें थोड़ा सा हम ढक देते हैं, ढक के हमको बनाना है, कि ये हम तवा में बना रहे हैं इसलिए हम थोड़ा थाली ढक दिए हैं। एकदम धीमा आँच है, थोड़ा 1 मिनट तक पकने देते हैं, उसके बाद इसको पलटेंगे। ये हमारा एकदम क्रिस्पी बना है। इस ओर हम थोड़ा सा बटर लगा के हल्का सा, ये तो अपने इसमें है क्रीम, इसको हम थोड़ा पलट दे रहे हैं। देखिए इसको भी हम 1 मिनट तक पकने देंगे, एकदम स्लो में। देखिए हमारा पक चुका है और ये थाली है गर्म हो चुका है, इसे हम पलट रहे हैं। देखिए एक और कितना क्रिस्पी है, दूसरी ओर भी पक चुका है हमारा, देखिए बन चुका है। अब इसी तरह से हम दूसरा भी डाल देते हैं, हल्का सा बटर डाल के।
एकदम धीमा आंच में बनना चाहिए। एकदम स्लो आंच है, पक रहा है। आप इसे ढक के भी पका सकते हैं और खुला भी पका सकते हैं। आप ढक के भी पका सकते हैं, खुला भी पका सकते हैं, ये दोनों ओर से ही पकेगा अच्छा से। हम है, मेरे लोहा का तवा है इसलिए हम थाली ढक दिए थे, आप नहीं भी ढक सकते हैं। हम देखिए, हमारा दूसरा भी है, आपका टोस्ट तैयार हो चुका है। आप गैस ऑन करते हैं, ऑन नहीं ऑफ करते हैं, और इसे निकालते हैं। देखिए हमको कितना क्रिस्पी बना है, ये देखिए कितना खूबसूरत बना। अब इसे हम देखिए, हमारा दोनों है टोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसे हम सर्व करने के लिए इसे हम इस भाग में काट रहे हैं, देखिए कट करके और रखेंगे। कट चुका है अच्छी तरह से खाने के लिए आपका, इस है देखिए इस तरह से हम इसे भी काट लेते हैं। और ये जो है हमारा रवा का टोस्ट है, वेजिटेबल टोस्ट, ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है। ये हमेशा बोलेगी कि आप इसी तरह से बना दीजिए हमको। ये हमारा खाने के लिए रेडी हो चुका है। आपको आप थोड़ा सा हल्का सा आप इसे भी सजा सकते हैं, धनिया, हरी धनिया है। हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका, सर्व कर चुके खाने के लिए। आप भी इसे खा के देखिए, बना के देखिए, खा के देखिए, टेस्ट लगे ये, क्योंकि ये हेल्दी और टेस्टी दोनों है, वेजिटेबल का बना हुआ है, इसलिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। खा के देखिए और प्लीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे श्रीसु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।